लॉन्च किया और हम बहुत सारे कोर्सेज ऐसा लेकर के आने वाले हैं। अब बड़ी चुनौती है, आप सभी बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बड़ी चुनौती है कि इसकी जो सूचना है इस कोर्स की, वो हमारे हिंदी भाषी बीएससी के विद्यार्थियों को जो छोटे छोटे कस्बों में कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे मोहल्ले में कॉलेजेस हैं, वहां तक कैसे पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 लाख बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 15। हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी में करीब 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। उन तक ये सूचना कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए जो भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो या और कोई हो, या जैसे आपकी स्कूल की है वैसे ही कोई कॉलेजेस की, कोई प्रिंसिपल्स की कोई गैदरिंग होती हो और कुछ होता हो, वहां तक सूचना पहुंचाना ये एक बड़ी चुनौती का काम है। और मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, ये सेंटेंस मत बोलिएगा, हमारे समय में ये होता था। ये बहुत बोला जाता है, हमारे जमाने में ऐसा होता ना, आजकल तो सब बर्बाद हो गया। हमारे जमाने में शिक्षक बहुत सिंसियर थे, हमारे जमाने में बच्चे बड़े अच्छे थे, हमारे जमाने में ये होता था। दूसरा जमाना है ये, हम अगले वाले जमाने में हम भी रह रहे हैं, जमाना उनका है। मेरा जमाना क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका जमाना है, उनके जमाने में हम रह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख करके अपने को काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir, for sharing your wonderful ideas. But I would request you to kindly stay on the stage for a while. At the same time, I would take the liberty to request Dr. S.K. Sanyal, Principal B.K. Birla Center for Education, Pune, to kindly be on the stage and give memento to the guest speaker. Sir, please.